Subscribe now for all the latest and trending updates. बिग बॉस सीजन 13 के रनर अप रहे आसिम रियाज के भाई उमर रियाज बिग बॉस सीजन 14 पर लगातार कमेंट कर रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस सीजन 14 की एक कंटेस्टेंट उनको काफ़ी ज़्यादा भा गई है और एक कंटेस्टेंट कोई और नहीं बल्कि निकी तंबोली है। भाई क्या कुछ कहा है उन्होंने निकी के बारे में बताते हैं आपको, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इंट्रेंड न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। निकी तंबोली की तारीफों के पुल बांधते हुए आसिम रियाज के भाई उमर रियाज ट्वीट करते हुए कहते हुए नजर आते हैं कि भाई निकी ना कल मानती थी ना आज मानेगी, यानी कि भाई उमर रियाज तो निकी की यहाँ तारीफें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो ना कल मानने वाली थी ना आज। इसके अलावा आपको ये बता दें कि उमर रियाज ने एक पहले भी ट्वीट शेयर किया था और उन्होंने ट्वीट शेयर करते हुए लिखा था कि जिस स्पिरिट के साथ निकी तंबोली गेम खेल रही हैं मैं उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, वो ऐसी हैं कि वो जीतने के लिए आई हैं, यानी कि शी इज़ समवन हु रियली वांट टू विन दिस, यानी कि उनका लक्ष्य साफ है कि उनको जीतना है। आई फील शी वॉज रॉन्ग वेन शी हाइड द मास्क, यानी कि मुझे ये ज़रूर फील हुआ कि वो गलत है जब उन्होंने मास्क हाइड किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर गेम की बात की जाए तो निकी तंबोली बहुत सही गेम खेल रही हैं, बहुत सही चल रही हैं और साथ ही साथ निकी तंबोली पसंद आ रही हैं उमर रियाज को, ये साफ तौर पर पता लग रहा है उनके ट्वीट के ज़रिए। भाई आप क्या कहना चाहेंगे निकी तंबोली के गेम प्लान को देखकर, क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि निकी तंबोली इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट और वो जीत सकती हैं बिग बॉस सीजन 14 की ट्रॉफी? आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़ रही हमारे चैनल इंट्रेंड न्यूज़ के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।